अध्याय 5। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है, और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी और लोहू। तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और यह सभी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो।